हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 का जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट आपको एंड्रॉयड 12 के साथ जो है क्विक सेटिंग्स पैनल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से जो आपको टॉगल देखने को मिलता है। बट अगर आप चाहो तो इसे कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के बाद ये जो एंड्रॉयड 12 का क्विक सेटिंग्स पैनल है कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड ये जो मेथड है एंड्रॉयड 12 के साथ काम करेगा, एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 10 के साथ काम नहीं करेगा। तो इस थीम को अप्लाई करने के लिए और ये जो कस्टमाइजेशन को करने के लिए आपके फ़ोन के ऊपर रूट होना चाहिए, मैजिक सिस्टम होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो ये जो ऐप है इसका नाम है क्विक सेटिंग्स पैनल थीमर। तो इसके साथ जो है आप एंड्रॉयड 12 के ऊपर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है उसे आप चेंज कर सकते हो, उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए बड़ो, यहाँ पर हमारे पास है पोको फोन डिवाइस एंड इसके ऊपर हमने एंड्रॉयड 12 को इंस्टॉल किया है। यहाँ पर ये जो क्विक सेटिंग्स पैनल है इसे किस तरह से आपके फोन के ऊपर एनेबल करते हैं उसके बारे में वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले ये जो क्विक सेटिंग्स पैनल का कस्टमाइजेशन ऑप्शन है एंड्रॉयड 12 के साथ काम करेगा, एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 10 के साथ काम नहीं करेगा। एंड इसके लिए आपके फोन के ऊपर रूट होना चाहिए, मैजिक्स इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसे एनेबल करने के लिए आपके पास मैजिक्स इंस्टॉल होना चाहिए। मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करना होगा इस थीम को एनेबल करने के लिए और ये जो क्विक सेटिंग्स पैनल है इसे एनेबल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आपको जो है मॉड्यूल को डाउनलोड करना होगा। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो थीम का ऑप्शन है, जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, उसे किस तरह से आप एनेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपके फोन के ऊपर रूट और जो है मैजिक इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो पोको फोन डिवाइस है इसके ऊपर जो है मैजिक्स को ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो मैजिक्स मॉड्यूल है आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है मैजिक्स को ओपन करना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको मैजिक्स को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मॉड्यूल का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉल फॉर्म स्टोरेज का ऑप्शन देने को मिलेगा। सिंपली जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके जो मैजिक मॉड्यूल है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर सर्कल एंड जो रेक्टेंगुलर का ऑप्शन से ऐड किया गया है। वॉल्यूम अप की एंड वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके यहाँ पर आपको इसे कस्टमाइज करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर ड्यूल टोन की अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप की दो बार प्रेस करके डाउन की को प्रेस करना होगा। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर ये जो मॉड्यूल है उससे यहाँ पर फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रिबूट में टैप करना होगा। एंड यहाँ पर आपका जो फोन है फिर से रीस्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर जो है हमारा फोन रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। देखिए बड़ा वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा इस मैजिक मॉड्यूल के साथ। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली मैजिक मॉड्यूल को आपको यहाँ पर रिमूव करके फोन को रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट करते ही ये जो क्विक सेटिंग्स पैनल है उसको चेंज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जो आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 12 के साथ। तो काफी बढ़िया है, इसे आप ट्राई करके डिफरेंट जो आइकॉन शेप है उसे आप चाहो तो या अपने फोन के ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। आपको ढेर सारी जो कस्टमाइजेशन फीचर्स है, जो ढेर सारी जो आइकॉन शेप है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस मैजिक्स मॉड्यूल के थ्रू। तो ट्राई करके देखो एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। ये जो मैजिक्स मॉड्यूल का डाउनलोड लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो वहाँ पर जाके डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।